अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक, फिट फाट, खुशबाश। और जी फ्रेंड्स, बात करूंगी चाची की, जो झूठ 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 और सिर्फ झूठ, और सभी को पता है कितना झूठ है, कितना झूठ है। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये सच बोलना सीख जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो हरकतें कर रही हैं, अल्लाह करे वो हरकतें भी छूट जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। और जी चाची की कोलैबोरेशन की बात करते हैं, जो हर तरफ बड़े ही चर्चों में है, हर किसी की ज़बान पे कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन। तो भाई सभी ने बोला, शेख साहब ने भी बोला कोई कोलैबोरेशन नहीं है, झूठ बोल रही हैं। रेहाना बॉस ने बोला कोई कोलैबोरेशन नहीं है, झूठ बोल रही हैं। मरियम शेख ने बोला कोई कोलैबोरेशन नहीं है, झूठ बोल रही हैं। सना खान ने बोला, सना 048 ने बोला नहीं, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, झूठ बोल रही। सब ने ही बोला कि भाई सब झूठ 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 है, कोई कहीं नहीं गई है। मतलब गई तो थी, अबू धाबी गई थी, दुबई गई थी, वहाँ तो गई थी, पर ये कोलैबोरेशन वाला जो सीन है ना, तो ये थोड़ा सा झूठ में ही चल रहा है अभी तक। और आज तो आपने देखा ना कि वो दिखाए उन्होंने, क्या बोलते हैं, पेपर जो दिखाए। एक तो इनको बोलो खेत की सुनती खलियान की है, ये पता नहीं क्या है, ये इनको बोलो क्या चीज़ और करती क्या चीज़ है। इनको जब बोलो कि मैरिज सर्टिफिकेट लाओ, मैरिज सर्टिफिकेट इतना अजूबा किस्म का लेकर आई कि दूल्हा साहब का उसमें सिग्नेचर ही नहीं, बताएं ज़रा। और के दूल्हा मतलब वो पता नहीं आया भी नहीं आया बेचारा, कि इनके अकेली के साइन, दूल्हा के साइन ही नहीं। वो ऐसा इन्होंने वो दिखाया अपना निका नामा। फिर पिक्चरों की, कासिम सताने की पिक्चरों की बात हुई तो वो सारी की सारी फेक, इधर उधर की एडिटिंग कर 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 वो दिखा दी। अच्छा जी, फिर वो वॉइस सुनाने की बात हुई, वॉइस मैसेज, तो वो इन्होंने सुनाया, वो उसमें एडिटिंग एडिटिंग भी ऐसी करती हैं मज़े की बात कि उसमें फ़ौरन से फ़ौरन पकड़ाई में आ जाती हैं। मुझे मुझे तो ये हैरत होती है कि यार ये ऐसी एडिटिंग करती हैं कि बेचारी पकड़ में आ जाती हैं। और दूसरी बात कि अब ये कोलैबोरेशन वाला सिलसिला कि भाई क्या मतलब बिग बॉस में जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ झूठ बोल रही हैं। ये वहाँ दुबई अबू धाबी गई हैं और लगता है कि अपने पैसों पर ही गई हैं। ये तकरीबन 99% जो है ना, वो यही आवाज़ आ रही है कि वही अपनी जेब खर्ची पर ही गई हैं। और मैं कह रही हूँ कि यार जब अपना पैसा आप खर्च करके गए हो, तो फिर आप ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो यार, आपका पैसा खर्च हुआ, आपको एहसास नहीं है क्या? अपना पैसा खर्च करके हम घूम के आ रहे हैं और नाम दे रहे हैं किसी और को। और जो आज इन्होंने पेपर दिखाए अपने ब्लॉग में, जो इन्होंने दिखाए कि भाई मैं यासलैंड की जो है वो दिखाती हूँ, ये इसको सब मैं फ़ाइल करवाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, फ़ाइल शाइल कराएँ, आप फ़ोटो फ्रेम करवाएँ और घर की अपनी दीवारों पर लगाएँ कि आप यहाँ घूम कर आई हैं। क्योंकि पता है, ये बोल रही ना कोलैबोरेशन वहाँ पे आईफा अवार्ड में गई हैं, क्योंकि जिस दिन ये गई हैं इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला था कि 350 चेकआउट हुए उसी दिन। मतलब ये शाम में गई हैं या रात में पहुँची हैं, तो सुबह में ही वहाँ से 350 चेकआउट हुए हैं। मतलब जो आईफा अवार्ड के लिए लोग आए हुए थे वो लोग गए हैं वापस, सही है। और ये उसके बाद पहुँची हैं, जब आईफा अवार्ड जो है वो ख़त्म हो गया था उसके बाद ये पहुँची हैं। और मैं ये बात सोच रही हूँ कि जो ये बात उड़ रही है कि ये ना बिग बॉस में चली जाएंगी, अगर ये बिग बॉस में चली गई या खुदाया फिर क्या होगा? फिर मतलब बिग बॉस में तो क्या, फिर तो क्या इनकी ज़बान चल रही होगी और क्या पब्लिक में कह रही हूँ कि अगर ये बिग बॉस में चली गई ना, तो आज तक का जितने भी सीज़न आ चुके हैं ना बिग बॉस में, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बिग बॉस जो देख रही हूँ ना सीज़न 4 से देख रही हूँ, और ना सीज़न 1 से मैंने नहीं देखा, सीज़न 4 से मैं बिग बॉस देख रही हूँ। तो 4 से मैं देख रही हूँ और अभी मतलब 15 गुजर गया, सीज़न 15 गुजर गया है, अब ये 16 आएगा, तो 16 में अगर ये होंगी तो फिर तो ये एक यादगार वाला बिग बॉस हो जाएगा। आज तक जब भी बिग बॉस आता है तो बच्चे बच्चे के ज़माने पर बिग बॉस का नाम रहता है, वो दुनिया का, मैं बोलती हूँ कोई भी मुल्क हो वहाँ पे बिग बॉस का नाम रहता है। मेरा फेवरेट शो है बिग बॉस, और सलमान खान का क्या हाल होगा बिग बॉस में। क्योंकि कोई ऐसे लोग आते हैं तो वो बेचारे जो है ना, सलमान भैया हमारे, समझाते 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 वो नहीं चाहते कि वो मतलब
ऑन कैमरा आकर वो इतने हाइपर हो जाए, इतने गुस्से में आ जाए, पर फिर भी उनका कहीं ना कहीं गुस्सा दिख जाता है वीकेंड के बार पर। पर अगर ये होंगी तो मुझे तो लग रहा है सारे एपिसोड में जो है ना वो सलमान खान आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर ये बिग बॉस में होंगी तो लाजमी सी बात है इनका मुंह बंद कराते कराते जो है सलमान खान को वहाँ पे रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका मुंह जो है वो रुकता नहीं है। तो जी, और इनकी बातें मैं बताऊं, कल वाली जो ब्लॉग था कल जिसमें ये अपनी अलमारी वगैरह जो है कबट वगैरह अपने साफ कर रही थी, क्लीन कर रही थी, तो उसमें ना इन्होंने दो मोबाइल दिखाए थे। दो मोबाइल के अंदर इन्होंने बोला कि ये मेरे मोबाइल हैं, मतलब मेरे नहीं जिनके हैं, मतलब के समझ जाएँ कि वो किसके, शेख साहब का बोल रही थी कि शेख साहब के मोबाइल हैं। तो उसी के अंदर जो है वो 15 लाख रुपये वाली बात थी जो कि रेहाना बॉस से ली हुई थी, तो वही बात जो है ये इसी में ही थे वो सारे राज, और जो इन्होंने तोड़ ताड़ के जो है उसको बराबर कर दिया। जब ये कहती थी इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती, शुक्र है इन्होंने कुछ तो लिया। और हाँ, और दूसरी बात एक और बताऊँ कि जो मैंने नोट करी कि जब ये अपने मोगली क्या पासपोर्ट दिखा रही थी, तो पासपोर्ट दिखाते वक्त जो है ना इन्होंने जो नाम वाली साइड थी उसके ऊपर ऐसे करके ना हाथ रख लिया था अपना, देखा ही होगा ना आप सभी ने, तो ऐसे करके ना हाथ रख कर वो दिखा रही थी, तो यानी कि वो सरनेम जो है वो छुपा रही थी। छुपाना क्यों, जब आप उसके नाम के साथ सतानी लगाती हैं तो फिर आप छुपा क्यों रही थी। जो मतलब जो गड़बड़ी हुई थी ना, जैसा कि मेहुल भाई ने अपनी वीडियो में बताया था कि ये इनका बेटा जो इनसे अलग हुआ था आते वक्त और जाते वक्त जो है वो सरनेम की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसी वजह से ही वो अलग हुआ था, और उसको ये पता नहीं किस किस तरह वे में बता रही थी, अलग अलग वे से बता रही थी कि ना ये अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं, अल्लाह माफ़ करे यार आप मतलब 1.5 घंटे के लिए सिर्फ दुबई और इंडिया का मुझे लगता है 1.5 घंटे का ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से भी 1.5 घंटे का ही है फ्लाइट से हम जाते हैं, तो 1.5 घंटे के अंदर दुबई में पहुँच जाते हैं दुबई। तो और ये तो ना कुछ अलग ही अंदाज से उसको प्रेजेंट कर रही थी, तो मेरे को बड़ा अजीब सा ही लग रहा था कि किस तरीके से ना इस तरह बोले जा रही हैं। और जी, बाकी इनकी जो ये आईफा अवार्ड में पहुंच गई और ये फलां पहुंच गई, ये सिर्फ झूठ है झूठ। और या तो फिर ये ना इनमें एक आदत और बताओ इनकी क्या है, कि हर चीज़ को ना थोड़ा सा सस्पेंस में लेके चलती हैं। क्यों, तो क्योंकि ये चारों तरफ से देखते हैं कि पब्लिक मेरे लिए क्या बोल रही है, फिर उसके बाद एकदम से बम फाड़ूंगी, जैसा कि इन्होंने शेख साहब के पेपर के लिए भी किया हुआ है। एक तरफ बोलती हैं कि सब कुछ ख़त्म है, ये नहीं है वो है, मैं अपनी दुनिया में आ गई, और दूसरा इन्होंने देखिए फिर कितना गलत काम किया है कि अपने हाथों पर, एक तो पहले से ही इनके वो टैटूज बने हुए थे हाथों पर, उसके बाद और जो हाथ पे जो बेचारी बची कुची जगहें थी तो उस पर भी ये इन्होंने और पता नहीं क्या क्या उस पर नमूनाकारी जो है वो करवा ली है, और बड़े खुश हो रही हैं। जबकि एक मुसलमान होने के नाते हमारा वजू नहीं होता, हमारी नमाज नहीं होती, वैसे ही ये तो कितने बड़े बड़े नेल्स लगाई हुई हैं और उस पर फिर नेल पॉलिश लगाना, और वही नेल पॉलिश इनके हर वक्त लगी हुई है, तो साफ पता लग रहा है कि इन्होंने रिमूव नहीं करी थी वो नेल पॉलिश अभी तक लगी हुई थी इनके, और अब तो एक्स्ट्रा कर लिया कि इन्होंने वो टैटूज़ वगैरह भी बनवा लिए, जो कि कितनी इनको मतलब जितना बोलो ये उतना हथ बता के और करती जा रही हैं। और इनको ये खबर नहीं लग पा रही है कि यार ये ऐसा करने से मैं खुद ही गुनाहों में धंसती जा रही हूँ। जाहिर सी बात है, आप लगा रहे हो तो आप गुनाह में धंस रहे हो, इसमें आपकी रोज़ा नमाज जो है वो कबूल नहीं हो रही, आपका वजू कबूल नहीं हो रहा, आप कुरान शरीफ को हाथ लगाते हो, आप रोज़ाना बोल के तिलावत लगाते हो, जो आप जब पूरे 30 पारे हो जाएंगे तो आप इस सारे सवाब भी करवा दोगी, तो आप ये नित नए काम जो है ना ये अपने करना बंद नहीं करोगे, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे कामों में। क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि मिर्ची मसाले जो है मिलते रहें, और हर वक्त अपने आजकल तो आप अपने व्यूज़ के लिए जब आप बोलती हैं ना तो मेरे को बड़ा दुख होता है और बड़ी हंसी आती है आपके ऊपर, कि जो औरत दूसरों के लिए बोलती थी भीख मांगते हैं, मेरे नाम पे भीख मांगते हैं, आप मेरे नाम पे भीख मांगते हैं, तो यार आपका नाम से लोगों को इतनी भीख मिल रही है पर आपको नहीं मिल रही, आपका नाम यानी आपको सूट नहीं कर रहा है, आप या तो अपना नाम चेंज कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका नाम अब आपको सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि जिसके 7 लाख सब्सक्राइबर हो कम से कम यार 1 लाख तो उसके आ ही जाए ना, 1 लाख तो उसके व्यूज़ उसके आ ही जाए, पर आए दिन आपके जो हैं 60-70 तक जो है झला के आप बहुत ज़्यादा वैसे धमाका करने वाले भी कोशिश करती हैं कि थंबनेल लगा दूँ ये कर दूँ,
थंबनेल लगा दूं, टाइटल लगा दूं, पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। आपके 1 लाख भी जो है वो नहीं हो पा रहे हैं व्यूज़। और आप जो है वो बोलती रहती हैं, उसके बाद आप बोलती हैं अपनी झेप मिटाने के लिए, वो बोलते हैं ना कि सियानी बिल्ली खम्बन हो जाए, तो कि अभी मतलब कुछ तो बोलना है ना यार, क्या करूँ, कुछ तो बोल दूँ। हाँ, वो लगता है कि वो ना टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से, मुझे पता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से जो मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी, आपकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। आपने पब्लिक का दिल दुखा दिया है बहुत ज़्यादा, इसलिए पब्लिक आपसे जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही है। आप जब जो है वो सीधे सच्चे अच्छे रास्ते पर आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह आपके व्यूज़ जो आपके अभी 7 लाख सब्सक्राइबर हैं ना, तो आपके 7 लाख, क्या मैं बोलती हूँ, आपके 10 लाख रोज़ाना जो है ना व्यूज़ आया करेंगे, अगर आप अच्छी हो जाए सही तरीके से। ये फेस पे से जो आपने मास्क लगाया हुआ है ना, वो पूरा मास्क अपना जो है ना वो हटा दें, तो ही आपके जो है ना 7 लाख सब्सक्राइबर पे इंशाल्लाह 10 लाख आपके व्यूज़ आया करेंगे। पर ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको आदत जो है, आप इस तरह तो नहीं रह सकते ना, आपको तो बाहर की दुनिया में भी रहना है, ये भी करना है, वो भी करना है, आपको तो बहुत कुछ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है, बातें तो बहुत सारी हैं, पर नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो भाई जो न्यू फ्रेंड आए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके लाजमी जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।